बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अगस्त के आखिरी दिन शाहरुख खान ने जवान के ट्रेलर के साथ नए महीने के माहौल सेट कर दिया। ट्रेलर में शाहरुख कई धांसू अवतार में नजर आ रहे हैं और साथ में तूफानी एक्शन के साथ स्क्रीन पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस विस्फोटक ट्रेलर के बाद जनता जवान के टिकट बुक कराने के लिए लाइन में लग गई है। साथ ही एक ट्रेलर के लिए लोगों को उम्मीद और भी बढ़ गई है। पैन इंडिया स्टार प्रभास की अगली फिल्म सालार भी सितंबर में ही रिलीज हो रही है। केजीएफ फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस फिल्म में एक और भयानक गैंगस्टर स्टोरी लेकर आ रहे हैं। सालार में प्रभास एकदम खूंखार एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं, जिसकी एक हल्की सी झलक मेकर्स ने पोस्टर और टीजर में शेयर की है। प्रभास और शाहरुख की फिल्मों के बीच एक होड़ सी छिड़ी नजर आ रही है। दोनों फिल्मों के प्रमोशन के समय में यही दिख रहा है कि कौन किसको नीचा दिखाता है, कौन किससे ऊपर है। सितंबर में रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों में से जवान थिएटर्स में पहुंचेगी इसके 21 दिन बाद सालार रिलीज होगी, लेकिन सालार के मेकर्स ने प्रमोशन गेम शुरू से ही टाइट रखा है और फिल्म के प्रमोशन मटेरियल जवान के हर नए कंटेंट के पीछे पीछे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। एक तरफ फैंस का अपडेट पाकर एक्साइटेड होते हैं, तो एक इस एक्साइटमेंट ने सालार के अपडेट माहौल को भी धमाकेदार बना देता है। इन दोनों फिल्मों में पहले जिस फिल्म का टीजर आया वो प्रभास का सालार। 6 जुलाई को सालार का टीजर आया, जिसमें एक्शन मोड में तैयार प्रभास भी सिर्फ एक झलक थी। टीनू आनंद का किरदार प्रभास को डायनासोर बताते हुए उनके लिए जबरदस्त बिल्डअप दे रहे हैं। अभी इस टीजर की चर्चा चल ही रही थी कि फैंस को अपडेट के लिए खूब तरसाने के बाद जवान के मेकर्स ने 8 जुलाई को अनाउंस कर दिया कि 2 दिन बाद जवान का प्रीव्यू शेयर किया जाएगा। 10 जुलाई को जवान का लगभग 2.5 मिनट लंबा प्रीव्यू आया। प्रभास का एक्शन इंटरटेनर का रुख देख करके एक्साइट हुए फैंस को शाहरुख के रॉ एक्शन अवतार को डोज मिल गया। सालार के मेकर्स ने टीजर को मिले धांसू रिस्पॉन्स के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट में करते हुए बताया कि वे अगस्त के अंत में रिलीज ट्रेलर शेयर करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच जवान के मेकर्स ने 31 अगस्त को ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट कर दी। तयशुदा डेट पर जवान का ट्रेलर रिलीज भी कर दिया गया और इसने जनता को क्रेजी कर दिया। जवान का ट्रेलर आने से सालार के मेकर्स को अपना ऑफिशियल प्लान एक बार बदलना पड़ा और अभी तक उन्होंने ट्रेलर के लिए नई डेट अनाउंस नहीं की। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रभास की फिल्म का ट्रेलर अब 4 सितंबर को आएगा। खबरों में यह भी सामने आया है कि ऑनलाइन रिलीज होने के बाद सालार का ट्रेलर जवान फिल्म के साथ अटैच होकर थिएटर पहुंचेगा। मार्केटिंग के लिहाज से सालार के मेकर्स का यह प्लान बहुत सॉलिड है, जहां जनता थिएटर्स में जवान के धुआंधार एक्शन के लिए चीयर करेंगे, वहीं बड़े पर्दे पर प्रभास के धमाके के लिए मूड बनाकर घर लौटेंगे। जवान की रिलीज के बाद सालार में ऑलमोस्ट 20 दिन का गैप है और ये गैप प्रभास की फिल्म के लिए जनता में खूब माहौल बनाएगा। जवान की एडवांस बुकिंग भारत में ऑफिशियली शुक्रवार से शुरू हुई, लेकिन ओवरसीज मार्केट में अगस्त की शुरुआत से ही शाहरुख की फिल्म की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। यूएसए में जवान की एडवांस बुकिंग 8 अगस्त से शुरू हुई। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के बताती है कि जवान के प्रीमियर के लिए एडवांस बुकिंग से हुआ ग्रॉस कलेक्शन 2,10,000 डॉलर्स यानी कभी करीब 2.25 करोड़ रुपए में से ज़्यादा हो चुका है। जवान का ये एडवांस ग्रॉस कलेक्शन शाहरुख की अपनी ही फिल्म पठान के मुकाबले दमदार है,
लेकिन इसके मुकाबले सालार का एडवांस बुकिंग का क्रेज कहीं तगड़ा है। यूएसए में सालार का एडवांस बुकिंग से हुआ ग्रॉस कलेक्शन $5 लाख यानी करीब 4.25 करोड़ रुपए है हो चुका है। प्रभास की इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग से हुई कमाई जवान के 2 गुने से भी ज़्यादा है। अब बताता है कि सालार के लिए जनता में क्रेज कैसा है। शाहरुख खान की जवान के लिए इंडिया में शुक्रवार से एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। जनता से फिल्म को धुआंधार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि शाहरुख खान अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इस हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग हो रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।